साथियों दोस्तों, हम आ चुके हैं सागर और सागर में मिल गए हैं बंदे और इनसे हम परिचय कराते हैं कि कहाँ के बंदे हैं और कैसा क्या इनका परफॉर्म रहा यहाँ पर आके और भर्ती कितने बंदों की निकली है। कहाँ के हो भाई? सर हमें करेरा से। करेरा से भर्ती हो चुकी? हाँ सर। कितना का गला? 100 का। और मेडिकल कब है? मेडिकल कल है सर। कल। और आपका नाम? नाम क्या है? मंगल सिंह। मंगल सिंह। और रेस हो गई? कितने का बना? 100 का। दोस्तों करेरा में तो मेरे को लगता है कि 100 से नीचे गाड़ी रुकेगी ही नहीं। सारे बंदे के इसके आगे जो वीडियो बनाई उसमें भी आप देख सकते हैं। और दोनों और आप फिजिकल कितने का? 88 का। भाई कोई नहीं, 88 का बना। और इस भाई का कल है या परसों? परसों। 800 है तो भाई 100 का ही मारेगा, क्योंकि यहाँ पर कितने बंदे हैं ये बोल रहे कि 100 का ही मारेगा। तो दोस्त कितने का? 150 का। 150 का भाई, 150 का नहीं होता है, बोल रहे 150 का मारेगा। लेकिन और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर? जो आप घर पर प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ जहाँ पर आप प्रैक्टिस करते थे और वहाँ पर कितनी टाइमिंग आती थी? वहाँ पे हमारी सर 4:25। 4:25। और यहाँ पर ऐसा लगा कि वहाँ अगर टाइमिंग आती है तो यहाँ निकाल सकता है? बिल्कुल नॉर्मल निकाल सकता है। कहीं पर भी लगे? ग्राउंड पर गया? शानदार मजा आ गया दौड़। मजा आ गया दोस्तों, जिसकी दौड़ निकल जाती है, जिसकी रेस लग जाती है, उसको मजा ही आता है क्या? नहीं भाई, जिसकी दौड़ निकलती है उसे मजा आता है। लेकिन बढ़िया करा रहे हैं यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। दोस्तों यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और अब थोड़ी सी ठंडक आ चुकी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो अपने आगे आने वाले हैं बंदे, उनको क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगी या उनको कैसा क्या लगना पड़ेगा, कब एंट्री लेनी पड़ेगी अंदर जाने का, या आप बताएं? तो सर्वे करना पड़ेगा कि जो बच्चे आ रहे हैं बाहर से, हाँ, वो अपने साथ में कंबल वगैरह लेके आए, क्योंकि ठंड पड़ रही है वहाँ पे। ठंड पड़ रही है सर। और लगने का एंट्री स्टार्ट हो रही है 11 बजे से हो रही है। अच्छा। और ये एंट्री चले 4 बजे तक, तो बच्चा लगभग वहाँ से भी आए, लेट भी लग सकता है 4 बजे तक लगे। अगर वो यहाँ पर आ चुका है, मतलब सागर में ही आ चुका है, तो वो कितने बजे लग जाए? वो सागर में आ चुका है, अगर मतलब कि 10 के पहले आ चुका है सागर में, जैसे अभी 10 बजा और उसके पहले आ चुका है सागर में, तो वो कितने बजे एंट्री? वो लगभग 12-1 बजे ले रेस्ट भी कर ले 1-2 घंटे के। अभी आया है वो, तो 1-2 घंटे रेस्ट कर लेगा तो उससे उसके लिए रिलैक्स मिल जाएगा। उससे कुछ वो तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे उसके लिए। तो दोस्तों आप 12 बजे तक भी एंट्री कर सकते हैं और अगर मेहनत की है तो आप 100% फिजिकल निकालो। निकलेगा, निश्चित निकलेगा। कोई यहाँ दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट? अच्छा, हाइट कैसे क्या ना पड़ेगा? हाइट एक अगर आपकी 68 है, हाँ, तो आपकी यहाँ पे हाइट निकलेगी सर। अच्छा, 1.68 है हाइट वाले? ध्यान से सुने, भाई बोल रहा कि अगर आपकी 1.68 है तो आप निकल जाओ। और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही 1.68 वाला किसी भी, मेरा भाई निश्चित है 1.68 नहीं हो सकती है, उसकी हाइट निकली है मेरा भाई। दोस्तों आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, यहाँ पर अच्छी तरीके से सब लोग जो फौजी भाई है वो बढ़िया करवा रहे हैं। बढ़िया हो रहा है, बढ़िया आप बढ़िया है, स्टाफ बढ़िया है, आप बस अपनी सही कंडीशन पे चलते रहिए। हाँ, आप कोई ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं रहे। और जो पुलअप्स वगैरह लगा रहे हैं वो बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया शानदार दिखा रहे हैं। मेरे बैच में 46 लड़के थे हम, और 46 में से एक बंदे ने मात्र 8 दिए और बाकी सब 10-10 वाले थे और 10 ही पास हुए हैं। 46 45 बच्चे के 10-10 थे और 10 वाले पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे तो भाई साहब 6 आते ग्राउंड में, मैंने यहाँ 10 दिए पूरे। अच्छा, पूरे 10 बगीचा कसम, 7-8 और नहीं दे पाओ ग्राउंड में। ये चमत्कार, ये चमत्कार, और यहाँ 10 जिन्हें पूछो जी सब हमें ये चमत्कार। अप डाउन, अप डाउन कह रहा है बस, अप डाउन। मैंने तो ऐसे कर लिए लोग, ऐसे पूरा नीचे नहीं गया ऐसा। तो उनका मतलब है कि आप आए हो रेस क्लियर कर ली तो आपको फौजी बना के ये बाल है ना, 3 बार दबाया उन्होंने, 3 बार फिर ऐसा हो गया। बोले 70 हो, अगर तुम ऐसे नवा दिखा रहे तो ऐसे कर दे रहे। उनका मक्सद ये है कि अगर आपने रेस क्लियर कर ली तो आपको फौजी भी बना के छोड़ेंगे। हाँ सर बिल्कुल। अगर तुम्हारा चेस्ट नहीं आ रहा तो बीमे द्वारा कह रहे 100 दे लो, 200 दे लो, डिप्सन द्वारा डिप्सन दे के कर लो, फिर ना पा रहा है। चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। दोस्तों कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है और यहाँ पर कल ही इनकी एक और वीडियो बना के देंगे जब ये मेडिकल क्वालिफाई करके आएंगे, तो वहाँ भी आपको 4 बजे जाना है। हम चारों को, चार लोग जो है
और आप 10 लोग जी खड़े हैं, 10-15 लड़के, 10 लोग हमारे ग्रुप के हैं, ग्रुप को तो जे भी सब हम करे रहा के मैं नरवर तहसील गाँव ये पूरे शिवपुरी जिला के हैं सारे बंदे, कम से कम 40-45 लोग हैं, सारे बंदे फौजी बनो गए आपका आशीर्वाद है सब लोगों का बस। ठीक है दोस्तों, तो आपको बोल बगीचा सरकार की जय, बोल पीतम्बरा माई की जय।